प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां गोली मारने का वांछित व तीन अन्य नफर वांछित अवैध शस्त्र एवं शस्त्र फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज खुरपुर पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र बनाकर बेचने वाले चार कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध हथियार बनाने के उपकरण के साथ साथ कई निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध हथियार बरामद किए गए। गश्त के दौरान थाना प्रभारी घूरपुर को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कटरा चौराहे के पास कुछ लोग अवैध शस्त्र बेचने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं। समय रहते यदि कार्रवाई की जाए तो सभी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मुखबिर की बातों को सही मानते हुए थाना प्रभारी के द्वारा मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुँच करके चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास मौजूद बैग में अर्धनिर्मित कई तमंचे बरामद किए गए। पकड़े गए व्यक्तियों में मोहम्मद एक लाख उर्फ मौलाना निवासी चक घनश्याम दास, मोहम्मद वसीम निवासी करमा नई बाजार, मोहम्मद अरमान निवासी चक घनश्याम दास थाना घूरपुर व श्रीकांत बिंद निवासी मजगामा थाना कौनयारा जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध घूरपुर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 140/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट अधिनियम व 141/21 धारा 3/5/25 आर्म एक्ट पंजीकृत अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं मोहम्मद इकलाक उर्फ मौलाना पर मुकदमा अपराध संख्या 138/21 धारा 147, 148, 323, 504, 307/34 आईपीसी के तहत भी वांछित है, जिन्हें गिरफ्तारी के उपरांत घूरपुर पुलिस के द्वारा आज जेल भेजा गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट।